हेलो गाइस, कल से लॉकडाउन 3 स्टार्ट हो जाएगा। तो आज घर में खाली थे तो मैंने सोचा क्यों ना आज हरी मिर्ची का अचार बनाया जाए। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे बनाया, ठीक है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने अपनी पूरी फैमिली आज मिर्ची का अचार बनाने में लगी है। पहले तो मैं मार्केट से 1 kg थोड़ा अच्छे टाइप की मिर्ची लेकर के आया। उसको फिर बीच में से हमने चाकू से कुछ इस तरीके से आपने इसको फाड़ देना है, ठीक है। और बाद में ये मार्केट में ये मसाला मिलता है, ये आपने 250 ग्राम लेकर के आना, 1 kg के लिए बहुत है, इनफ है। ये मसाले में सारी चीजें मिली हुई रहती है। आपने इसको काटने के बाद थोड़ा सा मार्केट से क्या करना है, 50 ग्राम की हरी सरसों लेकर के आनी है, ठीक है। ये पीली वाली सरसों जो है, और उसमें थोड़ा सा मेथी डाल करके इसको 2 मिनट तक आपने तवे में हल्की आंच में इसको पकाना है। और उसके बाद 1/2 लीटर आपका सरसों का तेल थोड़ा गर्म कर देना, नहीं तो सरसों के तेल की फिर थोड़ा स्मेल सी आती है। और उसमें मसाला मिला देना है। अब फिर हम क्या करेंगे, मिर्ची में आप इसे इस तरीके से भरेंगे, ठीक है। तो आपकी 1 kg मिर्ची में आराम से 3 डब्बे आराम से बन जाते हैं। और फिर बाद में लास्ट में जब हम इसको डब्बे में डालेंगे तो जो हरी सरसों हमने करा था उसको इसमें मिला करके और डब्बे में थोड़ा सा तेल यहां तक डाल देंगे, क्योंकि थोड़ा तेल उसी के अंदर है, ज्यादा भी नहीं डालेंगे। और इस तरीके से हमारे डब्बा ये अचार आपका रेडी है, ये देख लीजिए आप, ठीक है। और 4-5 दिन तक हम इसे रखेंगे, तेल ज्यादा नहीं डालना, क्योंकि तेल क्या होता है बाद में नीचे जाता रहेगा, पूरा भी नहीं भरना। ये भी और कम होगा क्योंकि जब ये सूखेगा छत में तो थोड़ा और कम होगा। तो ये आपका रेडी है। आपको कैसी लगी रेसिपी, आई होप आप भी कुछ इसी तरीके से बनाएंगे। थैंक यू गाइस।